आपका पे आपने भी फॉर्म भर दिया। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कॉन्ग्रेट्स। अरे सर यहाँ आप स्पीच वहीं से दे दो, हिंदी नहीं है सर। मैंने तो आज कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आप कुछ भी बोल दीजिए। मैं आज इतनी लग्जरी कार देख के मुझे कहानी याद आ रही है, सुनना चाहोगे? अगर ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी। एक्चुअली ये बात मेरे बचपन की है। मेरे फादर कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में काम करते थे, तो हम अमृतसर रहते थे। अमृतसर में जो कस्टम हाउस था, वहां पे जो बाहर से लोग आते थे पाकिस्तान वगैरह के बॉर्डर से जब एंटर करते थे, तो इंडिया का रूल्स था कि गाड़ी अगर आप बाहर की इंडिया में लाना चाहते हो तो पहले उसकी कीमत डिपॉजिट करके जाना होता था, तो वापसी पे आप ले सकते थे। तो बहुत लोग अपनी गाड़ियां वैसे ही छोड़ के चले जाते थे कि इतना पैसा पुरानी गाड़ी है क्या करें। तो सरकार जो इम्पोर्टेड कार्स उस टाइम पे होती थी, मैं बात कर रहा हूं कोई 75-76 की, तो कस्टम हाउस में उन गाड़ियों की नीलामी होती थी। तो एक बारी मेरे फादर जब घर आए तो संडे को नीलामी होती थी। जो संडे को आए वो बताने लग गए कि कस्टम हाउस के साथ ही एक बहुत बड़ी कोठी थी जो थी बिजली पहलवान की, राइट। अमृतसर में उनका बिजली पहलवान का मंदिर भी है, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे ये। जितने पीवीआर सिनेमाज हैं ये उन्हीं की फैमिली के हैं, अजय बिजली उनका बेटा है। तो उन्होंने मेरे को कहा, कहते देखो क्या लोगों के पास पैसा है, कि वहां पे जब ऑक्शन चल रही थी तो देखा क्या कि बिजली पहलवान टहलते टहलते आ गए, तो सब उनको जानते थे। कहते हमने उनसे पूछा आप कैसे आए, कहते ये सर्दी का मौसम था, लॉन में बैठा हुआ कुर्सी पे धूप सेक रहा था, तो यहाँ पे नीलामी की आवाज सुनी तो मैंने सोचा चलो जाके एक गाड़ी खरीदाते राइट। कि इतनी वेल्थ जनरेट हो सकती है कि लोग कहें चलो जी गाड़ी बदल लें या शौक के लिए देखें आज कौन सी गाड़ी खरीदनी है। तो वो शायद एक सपना था जो हमेशा मेरे दिमाग में रहा, पर वो वेस्टीज में होगा वो मेरा ख्याल से आज हकीकत हो चुकी है। लोग पहले गाड़ियां खरीदते थे, मुझे भी याद है जो मेरे पास पहली गाड़ी थी मेरा ख्याल से 7 या 8 साल रही थी, राइट। आज के दिन पे वेस्टीज में हमारे लोग हैं कि हर 2 साल के अंदर कहते हैं चलो गाड़ी बदल ले, राइट। आई वुड रियली आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, पहली चीज कि वेस्टीज में विश्वास करने के लिए कि ये वो सिस्टम है, ये वो परिवार है जिसके अंदर आप सबकी लाइफ चेंज होगी। यही विश्वास जो आपका हमारे अंदर है, ये हमें और ज्यादा मोटिवेट करता है कि तभी हम पूरा परिवार आप सबके साथ मिलके दिन रात मेहनत इसलिए करते हैं कि जितने लोगों की जिंदगी बदल सके उतनी हमें ज्यादा खुशी होती है। आज लीना जी एंड सुनीता जी और पवन जी के साथ मैं अंदर बैठा था मेरे पास, तो मजे की बात क्या थी कि सब बता रहे कि जी हमारे ग्रुप में इतनी गाड़ियां आ गई, पिछले महीने 12 गाड़ियां आई, अभी इतने दिन चढ़े हैं, अभी 2 गाड़ियां और, राइट। तो जब बात कर रहे थे तो मैंने इन सबको रोक के सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा आप सब टॉप लीडर हो, पिछले 15 मिनट में जो आप मेरे से बात कर रहे हो कभी आपने ये बात की कि आपका कितना बड़ा चेक बना? यानी कि आपको खुशी होगी कि एंटायर जो लीडरशिप है आपकी उसको अपने चेक की फिक्र नहीं है। आज के दिन पे हर कोई एक चीज जो सोच रहा है वो यही सोच रहा है कि मेरे डाउनलाइन आगे कैसे बढ़े, उनके पास कैसे पैसा जाए, राइट। टीम वॉरियर्स ने एक बहुत अच्छा अपना फोल्डर बनाया है, वो मेरे को फोल्डर दिखा रहे थे, उसके अंदर कुछ शख्सियत, एक हमारे अशोक अरोड़ा भी जिनके पास आज के दिन पे अमृतसर से है, उनके पास जैगुआर है, राइट। और मुझे याद है कि जब वेस्टीज उन्होंने शुरू किया था उनका लक्ष्य था कि अगर महीने में 8,000 रुपया आ जाएगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, राइट। आज के दिन पे वो जैगुआर चला रहे हैं। एक मैंने जब गुरप्रीत सैनी जी का नाम लिया तो मेरे को सबने बताया, कह रहे कि सर वेस्टी शुरू करने से पहले इसका एक ठेला होता था जिसके ऊपर ये उबले अंडे बेचता था और सूप बेचता था। उबले अंडे और सूप बेचने वाला, राइट, चाय वाले तो प्रधानमंत्री बन गए
राइट, उनको तो आरएसएस ने बना दिया ठीक, पर हमारे यहाँ पे भी ऐसे लोग भी जो शायद कभी सोच नहीं सकते थे जिंदगी कभी इतनी बदल सकती है, वेस्टीज के करके, आप सबके करके, जो हमारे में आपस में प्यार है उसके करके हम पहली भारतीय कंपनी बन चुके हैं जो दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में आ चुकी है। और हम जिस मकसद, जिस मिशन के ऊपर है, वो ये नहीं है कि हमें दौलत कमानी है, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि जितने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में हम बदलाव ला सकते हैं वो लाए बगैर हम कभी रुकेंगे नहीं। राइट, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ख्याल से ऐसा करते हैं कि हर साल 4 जनवरी एक स्पेशल दिवस रख लेते हैं। तो आज अभी तो टीम लगी है पर हमारे पास जगह काफी है, नीचे कम से कम 60 गाड़ियों की है, साइड पे खड़ी हो सकती है। तो मेरी आप सबके लिए जो बेस्ट विशेस है वो यही है कि अगले साल 4 जनवरी को यहाँ पे कम से कम 200 लग्जरी कार बिल्कुल। एंड ये जो पिछला साल गया है वो बहुत बेहतरीन गया, और नए साल के अंदर मैं आप सबको वेस्टीज परिवार की तरफ से सबको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। समझ कि आपका बहुत तरक्की हो, आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां रहे, कभी कोई दुख ना आ सके। पर कहते हैं ना कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। पहली बारी अब हम 1,000 करोड़ का टर्नओवर इस साल क्रॉस कर रहे हैं और 2018 और 19 का हमारा लक्ष्य है कि हम 1,000 से सीधा 2,000 करोड़ का टर्नओवर। जो 1,000 करोड़ करने में हमने 13 साल लगाए हैं, अगला 1,000 करोड़ सिर्फ एक साल में आएगा। अगर इस 1,000 करोड़ में इतने लखपति और इतनी गाड़ियां हैं, 2,000 करोड़ में सोचो आपका नंबर कहाँ होगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बहुत खुशी होती है आप सबसे मिलके। राइट, मेरी उम्र क्या है खबरदार किसने बताई। पर आज सुबह मैं अपने एक दोस्त से मिला जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसकी शक्ल देख के मेरे को लगा यार ये तो बुढ़ा हो चुका है। मैं बिल्कुल ही खत्म। और शायद जो हम में एक जोश है, एक जीवन के प्रति आशा है, वो हमारे डेफिनेटली फूड सप्लीमेंट से और आप सबके प्यार के साथ है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच। वो लगती लाहौर दिया जिस हिसाब ना हंस दिया, वो लगती पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया, वो लगती लाहौर दिया जिस हिसाब ना हंस दिया, कुड़ी दा पता करो किड़े पे।